नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हाँ हेलो जी हेलो। सर, नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार, कौन? मैं डिस्ट्रिक्ट सीतापुर से बोल रहा हूँ, साहिल खान। हाँ जी बताइए। और सर ठीक हैं आप? हाँ सर मैं NIS डीएलएड का छात्र हूँ सर। सर आजकल जो बड़ा हल्ला गुल्ला मचा रखा है दिल्ली में NIS डीएलएड, तो सर क्या कुछ भविष्य में क्या कुछ है इसका भविष्य? आपने कहा कि आप NIS डीलिट के छात्र हैं, तो अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं। जी 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 सर, हम एक गांव में रहते हैं सर। सर 1 to 5 प्राइमरी का स्कूल, वहाँ पढ़ाते हैं सर। तो आप NIS डीलिट में अभी पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं नहीं पढ़ाई नहीं पूरी कर चुके हैं? 17 में हम उसी बैच में थे सर हम। तो आप 17-19 वाला बैच कंप्लीट कर चुके हैं ना, जी सर जी तब आपकी तो पढ़ाई कंप्लीट हो गई, तो आप छात्र कहाँ रह गए? जी छात्र नहीं सर। आप जो है कहीं पढ़ा रहे हैं जी और सर पहले जी भी भाई जी पढ़ा जी रहे थे, तो जो लोग कहीं सर पढ़ा रहे थे और टीचर ट्रेनिंग नहीं किए थे, तो जी जी सर ये कोर्स उनके लिए लाया गया था कि जो लोग टीचर ट्रेनिंग नहीं किए हैं और पठन पाठन कार्य कर रहे हैं, तो वो ये कोर्स करके ट्रेंड हो जाएं। जी सर तो इसलिए ये कोर्स आया था और आप लोगों ने इस कोर्स में एडमिशन ले करके इस कोर्स को पूरा कर लिया। जी अब आप लोग की इच्छा है सरकारी नौकरी के लिए, तो अभी तो ये फिलहाल किसी भी सरकारी भर्ती में लिया नहीं जा रहा, जी जी सर जिस पर लोग जो है विवाद कर रहे थे कि कुछ जी राज्यों सर में लिया जा रहा है, तो ये केस किए हुए थे हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक गए। जी सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया कि जो है ये जो है कोर्स 18 महीने का है, और जहाँ कहीं शिक्षक भर्ती में लिया भी जा रहा था उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करके कह दिया कि भारत में कहीं भी अगर इनको लिया गया है तो सब रद्द किया जाए। तो फिलहाल तो किसी भी शिक्षक भर्ती के लिए जो जी सर सरकारी भर्तियां आती हैं आप लोग उसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। आप अनट्रेंड थे तो जी सर आप लोग को ट्रेंड करने के लिए ये कोर्स आया था। तो क्या दिल्ली जी में सर चल रहा है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? NIS स्टील का सर बड़ा हल्ला गुल्ला है डेली में, मोबाइल पे देखते हैं सर, यूट्यूब पे। जी अरे तो है हल्ला गुल्ला, कोई कुछ भी करे तो हल्ला गुल्ला करता रहे। सर हल्ला गुल्ला करने से तो किसी को रोक नहीं सकता कोई। जी सर कोई नहीं रह सकता अब आपके गांव का कोई व्यक्ति जो जी। है किसी दिन अपना सारा कपड़ा निकाल के सड़क पर आके नाचने लगे, तो कोई क्या कर सकता है? हाँ सर कोई नहीं कर सकता वो तो उसकी मर्जी है ना। जी जी सर अब उसको जो समझ में आ रहा है वो कर रहा है, जी सर तो हल्ला गुल्ला करने से होगा या जो नियम कानून है उसके अनुसार अपना काम करने से होगा? सर कानून से चला होगा सर। हाँ तो जब आप लोगों का जो संगठन था वो संगठन हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट गया और सभी कोर्ट से वो हार गया, जी सर उत्तराखंड में मैटर चल रहा था ना ये, तो जी जी मैटर सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आ चुका है जी और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि ये 18 महीने का ही कोर्स है। जी सर और अगर आप प्राइमरी शिक्षक भर्ती की बात करिए तो कहीं भी प्राइमरी शिक्षक भर्ती में 2 साल के कोर्स वाले लिए जाते हैं। जी सर तो नेम है और प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए टेट पास करना अनिवार्य है, जी तो कोई भी टेट आप दे ही नहीं सकते, क्योंकि जितने भी टेट परीक्षाएं या सीटेट परीक्षाएं हो रही हैं जहां कहीं भी, उसमें 2 साल का कोर्स मांगा जा रहा अच्छा सर, और आपका तो 18 महीने का। सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दे दिया, स्पष्ट कर दिया।18 मंत्र सर ऐसे लोग मान ही नहीं रहे थे कि नहीं 18 महीने का है नहीं है, चूंकि आप लोग का जो पठन पाठन कार्य हुआ है वो 17 से 19 के दौरान हुआ, तो जी हर सर सर जगह सत्तर 17-19 लिखा हुआ है, जी तो आप लोग 17-19 2 साल जोड़ रहे हैं ऐसे। जी लेकिन सर होता क्या है कि कितने दिन क्लास चला, कितने दिन प्रोग्राम चला, वो दिन गिने जाते हैं। जी सर जैसे कोई भी BA करता है, MA करता है, BSc करता है, हाई स्कूल इंटर करता है, तो जी जहाँ भी वो पढ़ाई कर रहा होता है या कोई भी क्लास हो, नीचे का भी क्लास, कहीं भी कोई पढ़ाई कर रहा होता है, उसका अटेंडेंस लगता है वहाँ। जी सर लगता है जी और अटेंडेंस जो है कम से कम जितना चाहिए उससे अगर कोई कम अटेंडेंस वहाँ है, मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट है वो BA में 75% चाहिए, 80% चाहिए अटेंडेंस, सर और क्लास जो है 365 दिन में 220 दिन चला है, जी 220 दिन में 80% चाहिए, जी सर तो 80% जो पूरा किया होगा चाहे वो गया हो या ना गया हो, वहाँ अटेंडेंस अगर उसका चढ़ा है तो वो गिना माना आया है ये माना जाएगा। जी माना जाएगा ये सर हाँ मेन होता है लिखित में क्या है, इस पर ध्यान जी दीजिएगा, ठीक है?
तो 80% अगर मिनिमम चाहिए, तो जो 80% या 75% चाहिए, तो 75% जो पूरा कर चुका है तो माना जाएगा कि ये जो है पूरा पढ़ाई किया है। जी सर। अब अगर कोई जो है 75% मांगा जा रहा है, उसका 74% ही हुआ, वहाँ पर कम है अटेंडेंस, और उसको रोक दिया जा रहा है, यही नियम है जी कि सर, जितना यही है। परसेंट चाहिए उससे उतना या उससे ज़्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए मिनिमम जो है टेट या सीटेट देने के लिए मिनिमम जो है वो 2 साल का कोर्स है, जी सर। और आप लोग का जो कोर्स है वो 2 साल का तो हुआ नहीं। जी आप जो है जो भी देख रहे हैं अपने सर्टिफिकेट पर, उस पर 2017-2019 लिखा है, जी सर, वो ये लिखा दोनों हुआ की है कि जरूरत इस है। सत्र के दौरान आपने किया है। उदाहरण में एक और ले लेते हैं, जैसे हमने बीएड किया है, जी सर, मेरा जो बीएड का सेशन है वो 2008-2009 का है, जी सर, 2008 लेकिन नौ जब का। हमने 2008 में फॉर्म भरा था जी तो उस समय जो है एंट्रेंस एग्जाम होने, एडमिशन होने में बहुत लंबा समय लग गया, लंबी प्रक्रिया चली, और हमको एडमिशन मिला 2009 में, जुलाई में। जी मेरे मार्कशीट पर लिखा है 2008-2009, जी लेकिन मेरा जो क्लास चला है वो जुलाई 2009 से 2010 तक चला है, जी सर, तो सर लिखा उस पर कुछ और है, हुआ कुछ जी हुआ और सर कुछ है, और। और मेरा जब रिजल्ट आया वो 2011 में आया। जी, तो अगर हम देखें एंट्रेंस से लेकर ठीक के रिजल्ट आने तक, तो 2008 है तो 2011 हो गया। है जी सर, अब 2 साल अगर हो हम गए। इसको काउंट करें तो 8 से 11 तो 3 साल हम कहें, जी सर, 3 साल का कोर्स, 2 कोर्स सर, 2 साल लेकिन का होता हाँ, है। अच्छा लेकिन ये नहीं, उस वक्त 1 ही साल का था बीएड जब हम कर रहे थे, अच्छा तो उस समय जो हमारा एडमिशन, तो जो सत्र था वो हुआ था 8-9 में, जी 9-10 का सेशन में एडमिशन ही नहीं हो रहा था, कहीं जी बंद था। हाँ, 9-10 में जो है वो हम लोग का ही क्लास चला। अच्छा तो अब कोई इस बात को स्वीकार करे समझे, और कोई इस बात को ना स्वीकार करे ना समझे, तो ये तो उसकी मूर्खता हो जाएगी ना, जी सर, उसकी कि मूर्खता हमने बिल्कुल। कब एडमिशन लिया, हमारा क्लास कब चला, हमारा रिजल्ट कब आया, हमारा कोर्स जी 1 साल का है कि 2 साल का है कि 1.5 साल का है, हर चीज़ को अगर स्पष्ट नहीं, जैसे अभी आपने कहा बीएड 2 साल का है, हमने कहा नहीं, हम जो किए हैं वो 1 ही साल का है, तो अगर हमें नहीं पता रहेगा और हम जबरदस्ती हर बात करते रहें अपने मन से, तो हमारे बात करने से तो नहीं होगा ना। जी सर, कह कुछ नहीं होगा। ऑन रिकॉर्ड जो चीज़ें हैं, पेपर पर जो चीज़ें हैं, वही मान्य जी होगा। तो ऐसे ही जितने एनआई रिलेटेड वाले हैं, जी तो कुछ राज्य जो है बिना नियम के इनको अपने यहाँ भर्ती में जो है ले लें, नौकरी दे दें, जी सर, तो वहाँ पर तो विवाद बना ही था, जी लेकिन दूसरे राज्य वाले, यूपी वाले, उत्तराखंड वाले और भी कुछ राज्य वाले, अपने यहाँ जब भर्ती निकली उसमें एनआई रिलेटेड को नहीं लिया जा रहा था, तो चले गए जी कोर्ट, अच्छा सर, कोर्ट में जाकर कहने लगे भैया कि जो हमको नहीं लिया जा रहा है, तो कोर्ट ने कहा कि आप नहीं ले जा रहे हैं तो इसमें जब विज्ञापन में आपके लिए रखा नहीं गया तो आप कैसे ले जाएंगे, तो कहने फला राज्य ने तो लिया है, फला जी फला राज्य। तो फिर फला फला राज्य से जानकारी मांगा गया, तो वो राज्य जब जानकारी दिए तो आया हाँ लिया गया है, तो जब वहाँ लिया गया है यहाँ नहीं लिया जा रहा है, यहाँ की सरकार का ये नियम नहीं है, वहाँ की सरकार ली है, तो जी नियम फिर कौन बनाता है भैया, एनसीटी। तो एनसीटी को बुलाया गया, जी सर, उससे कंफर्म किया गया भैया क्या माजरा है, वो राज्य ले रहा है, ये राज्य लेने से इनकार कर रहा है, ये क्या है माजरा। तो एनसीटी ने सारा चीज खुल करके बताया साफ कि ये कोर्स जो है, जो अनट्रेंड टीचर थे कहीं भी पढ़ा रहे थे, उनको जी ट्रेंड करने के लिए लाया गया था, और ये 18 महीने का कोर्स है, 2017 से 2019 सत्र के दौरान ये चला है, जी 18 महीने का ही कोर्स है ये, जी और ये स्पष्ट हो गया कोर्ट में कि ये 17-19 जो सत्र है इसको लोग मान रहे हैं 2 साल, लेकिन अच्छा जो सर, कोर्स है मात्र 18 महीने का है, ठीक है। जी सर, तो वहाँ सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर दे दिया कि ये कोर्स 18 महीने का है, जिन राज्यों में जहाँ कहीं पूरे भारत में किसी भी शिक्षक भर्ती में इनको लिया गया है, अगर 2 साल का वहाँ पर शर्त है तो इनको बाहर किया जाए, 18 महीने का ही कोर्स है ये, जी और सर, एनसीटीई ने आज तक इनके लिए कोई भी भर्ती का नियम नहीं बनाया है, इसलिए सभी भर्तियों से बाहर किया जाए। तो अच्छा ये तो फाइनल हो गया है, अब इसके बाद भी लोग जो है हल्ला कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं अब वो भी बता दें आपको। जी सर, बताइए। जैसे मान लीजिए आप हैं और आपके भाई साहब, मान लीजिए अब आप कितने भाई हैं वो छोड़ दीजिए, हम मान लेते हैं कि आप लोग दो भाई हैं जी जी सर, और नाम भी रख लेते हैं राम श्याम, मान लीजिए राम श्याम दो भाई हैं,
जी सर। उनकी जो है पिताजी की प्रॉपर्टी है, जी 1 बीघा मान लीजिए खेत है। जी अब उसमें से एक भाई जो है आधे से ज़्यादा पर कब्जा कर रखा है, उस जी बड़ा भाई छोटे वाले को कम दिया है। जी अब जबरदस्ती कर रहा है, नहीं हम तो इतने लेबे करेंगे, हम नहीं देंगे तुमको। उसके जबरदस्ती करने से कुछ हो तो जाएगा नहीं, नहीं सर, कुछ हो पाएगा तो अब छोटा वाले के पास क्या रास्ता है कि वो जाए कोर्ट कचहरी करे। जी। तो वो गया कोर्ट में, वकील ने कहा हाँ भाई ये गलत है, आपका केस तो बनता है। लेकिन वो वकील जो था मान लीजिए परिचित था, कहा अपने भाई को बुला लाओ कोर्ट कचहरी में लंबा समय लगेगा, लाओ एक बार बातचीत कर लेते हैं काहे गलत कर रहा है। वकील उनका परिचित रहा, बुला लिया गया। जी तो वकील कहा देखो भाई नियम तो यही आधा आधा, तुम सर क्यों गलत कर रहे हो, फालतू जी ये जो है कोर्ट जाएगा तब भी तुम्हारी जीत तो होगी नहीं। जी तो कहता कि नहीं हम तो देंगे ही नहीं, और कैसे ही जीत जाएगा कोर्ट से, हम ही जीतेंगे। अब वकील भी जी कह रहा नियम है, दुनिया जानती है कि आधा आधा मिलता है, उसके बावजूद जी वो दम लड़ने को तैयार है, तो या नहीं हम तो आधा से अधिक लेंगे। तो जी वकील क्या कहेगा, वकील कहेगा ठीक भाई आप लोग लड़ो केस, हम भी क्या करना, हमको तो पैसे मिलेगा। जी सही बात है, मैं पैसे वकील मिलेंगे क्या कहेगा, हमको तो पैसे मिलेगा। जी सर जी और अगर चालाक वकील है तो उस समझौता समझाएगा भी नहीं, उदाव सही बात भड़काएगा, नहीं तुम ठीक हो। है जी उसका वकील उसको समझाएगा नहीं तुम ठीक हो, उसका वकील उसको समझाएगा नहीं ठीक हो। लेकिन दो में से कोई एक तो गलत है ना, जी वकील क्यों कसम कह रहा है तुम ठीक हो, क्योंकि जान रहा है कि अगर ये सब वापस चले जाएंगे तो हमको कुछ लाभ नहीं होना है, जी सर लेकिन अगर ये सब केस करेंगे तो हमको पैसा मिलेगा। जी सर तो बिल्कुल जब भी पैसा कोई केस मिलेगा सर करने जाता है तो केस में दम हो या ना हो, कभी वकील नहीं कहेगा कि भैया केस मत करो, वो कहेगा कि करो हाँ हाँ तुम सही हो, तुम्हारी जीत होगी, वो पैसा लूटने लेने के चक्कर में केस डलवा देगा। यही काम ये हर तरह के संगठन में नेता बने हुए हैं। जी सर बीएड वालों का नेता है कोई, कोई जी बीटीसी वालों का नेता है, कोई डीएलएड का, कोई एनएस डीएलएड का, कोई सरकारी मास्टरों का, प्राइमरी के मास्टरों का नेता बना है, और एक नहीं कई कई नेता बने पड़े हैं। और जी सर ये नेता क्यों बने हैं, इनको क्या लाभ है, भाई जी जी आप प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं ना, सर सर कितना इसमें पा रहे होंगे, 5,000 दर्जा यही ना, पैंतालीस, 4 था 45 हो गया जी चलिए 4,500 पा रहे हैं। अब अगर आपसे कहा जाए 15 दिन जाके लखनऊ बैठने को कि धरना में, तो जी आप 15 दिन लखनऊ बैठेंगे कि ये जोड़ेंगे कि भैया 15 दिन का हमारा वेतन काट लेगा आधा स्कूल वाला, हमारा खर्चा कैसे चलेगा, जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, जी जी सर बिल्कुल जोड़ेंगे सर जी जोड़ेंगे कि भैया 15 दिन, अरे एक आध दिन की बात हो चलेगा स्कूल वाला तो हमको निकाल देगा, स्कूल से बाहर कर देगा 15 दिन अगर नहीं जाएंगे तो। जी सर अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि 4,000, 6,000, 10,000 कमाने वाले हर व्यक्ति जो परिवार वाला है जी जी वो अपना घर गृहस्थी चलाएगा, लेकिन इनको आप देखेंगे जो हो हल्ला आप कर रहे हैं, सर ये भारत के किसी कोने के होंगे, कहीं के होंगे, ये जी आपको हर वक्त कभी कोई लखनऊ मिलेगा तो कभी कोई दिल्ली मिलेगा, ये पूरे महीने 300 दिन और साल के 365 दिन ये मिलेंगे नेतागिरी बराबर करते। जी जी उनका भी तो परिवार है, उनका भी तो खर्चा है, कैसे चल रहा है, वो तो जी नेतागिरी कर रहे हैं, वो तो कहीं नौकरी कर नहीं रहे, पढ़ा नहीं रहे हैं, आप भी वही कोर्स किए हैं, वो भी वही कोर्स किए हैं, आपका भी वही मैटर है, उनका भी वही मैटर है, आप जो जी है सर घर वही गृहस्थी में परेशान है, 4,000, 5,000 की नौकरी कर रहे हैं, उसमें भी जो खर्चा नहीं पूरा हो रहा, जी महंगाई तो नहीं है, अब वो 1 रुपया जी सर कमा नहीं रहे हैं, कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं, और जो है आए दिन बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के दम जो है नेताजी बन करके भाषण देते रह रहे हैं, फेसबुक पोस्ट लिख रहे हैं, दिल्ली में है ये करा रहे वो करा रहे, लखनऊ में है यहाँ धरना होना है, यहाँ पर मीटिंग होना है, यही सब कर रहे हैं, आखिर उनका घर कैसे चल रहा है। अरे जी सर उनका घर चलता है यही कि लोगों को बरगलाओ भड़काओ कि हम ये करा देंगे, हम वो करा देंगे, कोर्ट से ये हो रहा है वो हो रहा है, और भैया कोर्ट के नाम पर चलो निकालो सब लोग 5-5 रुपया दो, ये फलाना वकील करेंगे, वो अरे राम जेठमलानी करेंगे, कपिल सिब्बल को करेंगे, वो जिता देंगे, ये इनको करेंगे, ऐसे करके 500, 1,000, 2,000 रुपये मांगते हैं और हर व्यक्ति देता है। आपने कभी दिया कि नहीं दिया, नहीं सर, हमारे पास कुछ लोग आए थे, हमारे जो स्कूल में पढ़ाते सर कुछ लोग दिल्ली गए हैं, हमसे भी कह रहे थे सर मगर हम नहीं गए सर। अच्छा तो कभी जो दिल्ली गए उनकी बात छोड़िए, कभी किसी ने पैसा कहीं दिया किसी नेता को संगठन को कि केस लड़ना है धरना करना है या किसी भी नाम से,
हमने तो सर नहीं कुछ दिए कभी किसी को चलिए सर। आप नहीं दिए हैं, बचे हुए हैं, लेकिन पूरे 15 लाख हैं एनआई रिलेड वाले पूरे भारत में, जी हर राज्य में ऐसे ही संगठन बना हुआ है, जी सर और इनका काम ही होता है याची बन जाओ, ये कोर्ट से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, याची लाभ मिल जाएगा करके 500 1000 2000 रुपये सबसे वसूलते हैं, जी सर और जो एक बार दे दिया फिर अगली बार फला तारीख लगा है ये वकील करना है फिर, तो ऐसे कर करके ये लोग वसूलते हैं, आता है करोड़ों रुपया। अरे सर 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 ये हम सर हमारे बात करने का मकसद ये है सर। सर क्या भविष्य में कुछ इसका भविष्य है तो वही तो आपको डीएल डिटेल में सब समझा रहे हैं और भविष्य भी बता दे रहे हैं। का? जी सर जी तो आपने शुरुआत किया था कि हो हल्ला हो रहा है, तो इनकी बात अभी बता रहे हैं कि ये हो हल्ला क्यों कर रहे हैं, जी जब सर सुप्रीम कोर्ट से फाइनल ऑर्डर आ गया, क्या सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई कोर्ट है? कोई सर कोई नहीं कोई भी कोई नहीं नहीं है, सर सबको पता है, लेकिन फिर भी ये लोग हो हल्ला कर रहे हैं, ये पुनर्विचार डालेंगे, संविधान पीठ जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो ये सब जो है सिर्फ नेतागिरी, एक तो इनको नेता बनने का कीड़ा काटा है, और दूसरा यही सबके बहाने 500 1000 2000 वसूलते हैं, और आप ही सोचिए कि एक तो घूमना फिरना हो, नेतागिरी करना हो, और आपको जो है 500 500 रुपये मात्र, 15 लाख लोग हैं नेशनल रिलेट वाले, 15 लाख में से 1 लाख लोग भी अगर 500 500 रुपये आपको दे देंगे तो कितना पैसा हो जाएगा, सर ये सारे तो लाखों में हो गया। करोड़ों में होगा। हम जी लोग अभी से बात कर रहे हैं कि 1 लाख लोग देने वाले पता नहीं कितना दे रहे हैं, और हम लोग 500 की बात कर रहे हैं, लोग कई कई हजार दे रहे हैं, ठीक है? तो इनका उद्देश्य नेतागिरी है, इनका उद्देश्य पैसा लूटना है, इसलिए ये हमेशा होल्ला करते दिखेंगे, कभी बीएड वाला तो कभी बीटीसी वाला, डीएलएड वाला एनआई डीएलएड वाला, कभी शिक्षक संघ, ये कोई ना कोई हल्ला करते दिख जाएगा, जहां कहीं कोई नेता बनते हुए दिखे, हल्ला करते हुए दिखे, समझ जाइए उसको नेतागिरी का जी काटा हुआ है और उसको जी लूट खसोट करना है, ठीक है? ये बात क्लियर हो गई, हल्ला क्यों हो रहा है? सर हो गया हाँ, ये क्लियर। हल्ला नहीं करेंगे, दिखाएंगे नहीं, तो कैसे लोगों को अपने जाल में फंसाएंगे? जी जी सही कहा सर अब आपने। एनआई डीएलएड का आगे क्या है, भविष्य है या नहीं है, इस पर हमारी बातचीत बहुत लोगों से बहुत चर्चा हुई है, डिटेल में चर्चा हुई है, हमें जहां तक याद आ रहा है आपकी आवाज भी जानी पहचानी लग रही है, पहले आपसे कभी बात हुई है? सर मैं दोबारा बात कर रहा हूँ और सर बड़ी बड़ी मुश्किल से कॉल लगी है सर आपकी। तो हम जब किसी से बात कर लेते हैं ना, चूंकि हम जब भी किसी से बात करते हैं तो जल्दबाजी में नहीं बात करते हैं, आराम से बात करते हैं, पिछली बार भी आप अगर बात किए होंगे तो 10 20 मिनट से ज्यादा बात हुई होगी। जी हाँ लगभग 20-25 मिनट लेकिन सर कई महीने हो गए। हाँ, तो हम जब भी किसी से बात करते हैं, जब खाली रहते हैं तभी फोन उठाते हैं, नहीं तो अक्सर फोन या तो उठाते नहीं या तो स्विच ऑफ रखते हैं, कि क्या फायदा खाली 1 मिनट के लिए फोन उठा लेने से, बात नहीं किया सर जाए हम तो डिटेल में बात हो, अच्छे से बात हो। प्रयास कर रहे थे कई हफ्तों से नंबर आपका चलिए, लगा आज सर बात हो आपका। रही है फिर से, जी सर तो धन्यवाद। आपसे भी पहले बात हुई है इसलिए हम आपकी आवाज़ पहचान गए, चूंकि जब भी बात करते हैं आराम से बात करते हैं तो आवाज़ जिनसे बात हुई रहती है पहले कभी, तो पहचान में आ जाता है, भले नाम वाम याद रहे ना रहे, आवाज़ पहचान में तो आ ही जाता है, जी तो सर आपको पहले भी सब बताए होंगे फिर से बता दे रहे हैं। देखिए, 2020 में लागू हुआ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जी सर जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो रहा था जी तो उससे पहले इसको तैयार किया जा रहा था। नए रिलेट को सर हाँ, तो 2014 में बीजेपी की सरकार केंद्र में बनी, जी सर उसी के बाद से ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनना तैयार हुआ, और ये बन करके फाइनल 2018 में गवर्नमेंट को दे दिया गया, जी 2019 में गवर्नमेंट ने इस पर सार्वजनिक करके वेबसाइट पर डाल दिया और लोगों से सुझाव मांगा, इसमें सुझाव और बिल्कुल कुछ सर फेर बदल करना हो, आपको कहीं कोई चीज लगता हो कि कुछ जोड़ना है, कुछ इसमें से हटाना है तो सुझाव दीजिए, सभी पूरे भारत की जनता से मांगा गया, जितने भी स्कूल टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरार हैं, शिक्षाविद जहाँ कहीं है सबसे मांगा गया, हर किसी से, और लाखों लोगों ने अपना अपना सुझाव दिया कुछ न कुछ 2019 में, और फिर उस सुझाव पर काम करने में 1 साल लगे, जी 2020 तक उन सुझावों पर काम हुआ, और फिर 2020 में जुलाई में ये लागू कर दिया गया। जी सर जब इसको लागू किया गया तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, इसके पहले 1986 में आया था, जी जी तो जी 34 साल बाद ये आया, करीब सर 34 साल बाद 34 साल आया बाद लागू हुआ है, जी तो बहुत कुछ बदलाव करना था, अब आगे की शिक्षा कैसी हो, दुनिया बदल गई ना, जी सर बहुत बदल बहुत 1986 बदल गई 1986 में अगर किसी को पढ़ाया जा रहा होगा कोर्स में, इंजीनियरिंग वालों को, तो साइकिल में इंजीनियरिंग का पढ़ाया जा रहा होगा, आज आज तो हवाई जहाज, जी एरोप्लेन, जी जी सर सर बहुत बहुत फर्क बहुत रॉकेट, क्या फर्क क्या टेक्नोलॉजी बदल गई ने सब, बिल्कुल सर बहुत फर्क हो गया न्यूक्लियर जो है, बम वगैरह, इन सब का भी तो कोर्स शामिल करना है, बच्चों को पढ़ाना है,
जी सर तो बहुत कुछ बदलना था, अब नई बहुत चीजें बदलाव पढ़ानी है, तो उसके बिल्कुल हिसाब से तैयार किया जा रहा था। तो जब तैयार किया जा रहा था तो ये भी ध्यान रखा जाता है कि पहले की क्या क्या चीजें हैं। तो 2009 में एक कानून बना था आरटीई एक्ट, जी उसके तहत कहा गया था कि ये कानून बना दिया गया है कि अब जो है गुणवत्ता परक शिक्षा दी जाएगी और जितने टीचर होंगे वो ट्रेंड होंगे, और 5 साल का समय दिया गया सरकार, हर सभी राज्यों की सरकारों को कहा गया कि 5 साल का आपको समय दे रहे हैं, जो भी अनट्रेंड टीचर हैं उनको ट्रेंड कीजिए, या तो उनको जी सर बाहर जी करके ट्रेंड को रख लीजिए, दो रास्ते हैं, या तो जी उन्हीं को सर ट्रेंड कर दीजिए जी या तो उनको हटा करके ट्रेंड को रख लीजिए। जी सर तो जब 2014 में ये गवर्नमेंट आई तो देखिए 5 साल तो बीत गया जी लेकिन सर किसी राज्य ने अभी तक कुछ इस पर खास काम ही नहीं किया। जी तो अब तुरंत उस पर कार्रवाई करेंगे तो भाई शिक्षा व्यवस्था डिस्टर्ब हो जाएगी ना, स्कूल में पढ़ाई लिखाई बंद हो जाएगा अगर हटा देंगे बिल्कुल टीचरों को। तो सर सब पढ़ाई बंद हो जाएगी आप जब जाके चेक करेंगे तो पाएंगे कि पहले 5 साल का छूट दिया गया था जो 2009 में, फिर 2014 में ये गवर्नमेंट आई, और फिर जी इस पर जो है मीटिंग वगैरह करके 2017 में इन्होंने उस 5 साल के छूट को 10 साल कर दिया। और ये 10 साल जो है वो पूरा हो रहा था 2019 में। जी सर 2009 में आरटी एक्ट आया, जी 5 साल का छूट दिया गया, जी 2014 में हो जाना चाहिए था, जी सर नहीं हुआ। तो नहीं हुआ मीटिंग सर वगैरह करके समीक्षा करके 2017 में ये हुआ कि भैया समय को थोड़ा बढ़ा दिया जाए और समय दे दिया जाए, जी सर तो 10 साल कर दिए। तो 2009 से 10 साल 2019, नहीं सर सर तो ये समय बढ़ा कब रहे थे 2017 में, तो सत्रह इनको पता था कि ऑलरेडी जो है 10 साल पूरा होने में मात्र 2 साल बचे हुए हैं, जी और इतने कम समय में हर राज्य ये काम कर नहीं पाएंगे, जी तो काफी बड़ा इसलिए काम केंद्र सरकार ने खुद ही ये काम किया, ये जी कोर्स उन्होंने खुद ही निकाल दिया कि भैया 2 साल से कम का समय बचा है, 19 तक का तो छूट है, 19 से पहले ये काम कर लेना है, 31 मार्च 2019 से पहले। तो जी इस पर जो है तय हुआ कि जो है केंद्र सरकार एनआईएस के माध्यम से 18 महीने का कोर्स लेकर आएगी, चूंकि 2 साल से कम का समय बचा था जी 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 तो ट्रेंड करना था, तो 18 महीने का ये कोर्स लॉन्च किया उन्होंने, जी सर ये कोर्स पूरे भारत के 15 लाख लोगों को करा दिया कि जी 2019 तक सारे टीचर ट्रेंड हो जाएं। सारे तो जो टीचर ट्रेंड आरटी एक्ट कहता है कि 2019 तक ही छूट रहेगा, तो 2019 तक वो समस्या इन्होंने खत्म कर दिया ये जी सर ट्रेनिंग उसे करा खत्म कर के। दिया जी तो 2019 तक तो ये खत्म हो गया। जी अब जब 2000 ये एक तरफ ये कोर्स की कराए, दूसरी तरफ राष्ट्रीय जी शिक्षा नीति भी बनाया जा रहा था, जी तो उसमें बनाते वक्त सब कुछ सामने रखा गया कि बीएड वाले हैं, बीटीसी वाले हैं, डीएलएड वाले हैं, डीएड वाले हैं, जेबीटी वाले हैं, एनटीटी वाले हैं, तो ये भी सामने आया कि एनआई डीएलएड वाले भी हैं। जी तो सारे कोर्स को ध्यान में रख करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाना था कि जी सर किसको कहाँ मौका मिले, किसकी भर्ती कहाँ हो। तो जी वहां पर एनआई डीएलएड भी चूंकि यही गवर्नमेंट करा रही थी, तो इन्होंने ये भी सामने रखा भैया एनआई डीएलएड वाले भी हैं, इनका फिर आगे क्या होगा। जी तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि जितने आंगनबाड़ी हैं उनको बाल वाटिका प्री प्राइमरी में कन्वर्ट किया जाएगा, और यूपी के अंदर पिछले कई सालों से हो रहा है, 1,87,000 आंगनबाड़ी हैं जी सर जिसमें से लगभग लगभग 1 लाख के आसपास आंगनबाड़ी को प्री प्राइमरी यानी कि बाल वाटिका बनाया जा चुका है। जी बिहार में एक भाई साहब से बात हुआ तो उन्होंने बताया कि वहां शायद 99,000 है आंगनबाड़ी, अच्छा सर तो इसी तरह से हर राज्य में है। जी तो जी गवर्नमेंट ने प्लान किया कि इन्हीं आंगनवाड़ी को हम प्री प्राइमरी स्कूल बना देते हैं, जी क्योंकि सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से ही पढ़ाई शुरू होती है। जी कभी था नहीं सर प्रेम हाँ, और जो प्ले है, LKG UKG नर्सरी की जो पढ़ाई है वो सरकारी स्कूल में होते नहीं थे। तो जी सर गवर्नमेंट ने जब प्लान किया कि हम सरकारी में भी ये कोर्स चलाएंगे, जी तो आंगनबाड़ी को प्री प्राइमरी में कन्वर्ट करने का प्लान किया, बाल वाटिका बनाने का। जी सर अब जब बाल वाटिका बनाएंगे तो वहां भी शिक्षक चाहिए, जी सर तो सारे कोर्स जो थे वो 2 साल के थे, और प्राइमरी के लिए 2 साल, ऊपर के लिए सारे कोर्स बने हुए हैं, लेकिन जी प्री प्राइमरी के लिए जो है कम से कम 1 साल का कोर्स चाहिए जी सर कम से कम। तो कम से कम एक साल का चाहिए इसीलिए जो एनआई डिलेट कराया गया वो 1 साल से ऊपर का कराया गया, 1.5 साल, ताकि इसमें कहीं कोई डाउट ना रहे, अच्छा जी तो 1.5 साल का कराया गया, ये सोच समझ के रखा गया 1.5 साल का। और प्लान राष्ट्रीय भी शिक्षा डेढ़ सौ नीति में प्लान कर लिया गया कि एनआई डीलेड वालों को जब बाल वाटिका शुरू हो जाएगा
तो जब भर्ती निकलेगी तो उनमें इनको लिया जाएगा। यानी गवर्नमेंट ने सारी चीजों को बैठकर प्लान करके तब किया, ऐसे नहीं कि आंख बंद करके बस एनआई डिलीट करा दिए 15 लाख लोगों को। जी सर, उन्होंने सब चीज सोच समझ के कि अनट्रेन टीचर हैं, 2019 तक ही समय है, सबको ट्रेंड भी करना है, वो भी काम हो जाए, जी वो भी काम सर हो गया। बाल वाटिका शुरू करना है वहां के लिए टीचर भी मिल जाए और ट्रेंड टीचर मिल जाए, क्योंकि कानून तो वहां पर भी है, सबके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है कि ट्रेंड टीचर होने चाहिए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाते समय ही ये प्लान कर लिया गया कि 2019 तक इनको ट्रेंड कर दिया जाए और फिर धीरे धीरे जितने आंगनबाड़ी हैं उनको कन्वर्ट कर दिया जाए बाल वाटिका में, और जब बाल वाटिका तैयार हो जाएगा तो फिर उसमें भी भर्ती होगी शुरू, और उसमें जब भर्ती शुरू होगी तो हम एनआई डीलेड वालों को भी उसमें लेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ एनआई डीलेड को, एनआई डीलेड को भी, यानी कि और भी कोर्स हैं उनको भी लेंगे और एनआई डीलेड को भी लेंगे। तो आप सोचिए, 1,87,000 बाल वाटिका यूपी में, 99,000 बिहार में, और प्ले एलकेजी यूकेजी तीन कक्षाएं चलनी है, तो यूपी का सीधा सीधा 2 लाख माने, बिहार का 1 लाख माने, तो यूपी में तीन कक्षाएं नहीं शुरू हुई, 2 लाख स्कूलों में अगर हो रही हैं तो 6 लाख पद खाली हो गए, हाँ सर, 5.5-6 लाख हो गए सर। और बिहार में अगर 1 लाख पद मान रहे हैं और तीन नए पद, 1 लाख स्कूल मान रहे हैं आंगन बाल वाटिका, और तीन नए पद बने सब में, तो 3 लाख पद वहां हो गए। अगर नौ ऐसे नौ पूरे नौ भारत का जी जोड़ेंगे तो पूरे भारत में ऐसे ही 5 लाख 6 लाख यूपी में हो गए, 2-3 लाख बिहार में हो गए, ऐसे हर राज्य का करते करते कम से कम 25-30 लाख से ज्यादा ही पद बनेंगे। जी सर, और पूरे भारत में एनआई डिलीट करने वाले हैं कितने, मात्र 15 लाख। 15 लाख सर अच्छा, सामने आता है। ये 15 लाख भी जो है आंकड़ा, ये 15 लाख नहीं होगा, 10 लाख के नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसे लोगों ने भी एनआई डिलीट किया जो पहले से ही सरकारी नौकरी में थे 5 साल 10 साल से, उनको लगा कि भैया हम तो उस समय, हमारे जमाने में ट्रेनिंग नहीं चलता था, हम तो हम दस चल साल से हैं रहे थे 20 साल से हैं, क्या पता हम लोगों को भी ये बाद में कोई दिक्कत हो जाए, चलो कर लेते हैं, जी सर, पढ़ा तो रहे ही हैं, गवर्नमेंट का नियम है कि जो पढ़ा रहा होगा वही करेगा, चलो हम तो पढ़ा ही रहे कर लेते हैं। तो बहुत जी सारे जो कि परमानेंट शिक्षक पहले से सरकारी नौकरी कर रहे थे, तो उन्होंने भी कर लिया, तो कर तो लिया, अच्छी बात है, लेकिन जी क्या नहीं वो दो नौकरी करेंगे? दो करेंगे तो सर, करेंगे ऐसी नहीं, से करते और ऑलरेडी हैं एक कर रहे हैं। जी। अब उस नौकरी को छोड़ करके कल को जो बाल वाटिका में भर्ती होगी तो अब नई नौकरी तो खोजने नहीं जाएंगे, लेने नहीं जाएंगे, वो अपनी नहीं पुरानी नहीं वाली ही सर, करेंगे। बिल्कुल सर, तो वो लोग जो एनआई डिलेट किए हैं तो उन वो आगे भर्ती में तो आने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमको भी नौकरी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, बहुत सारे प्राइवेट स्कूलों में या नए स्कूलों में या सरकारी स्कूलों में क्लर्क हैं, जैसे ये है हम उस सर, समय पढ़ा, हम जो है केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा रहे थे, वहां पर एलडीसी थे, यूडीसी थे, तो जी अच्छा उन लोगों ने भी भर दिया फॉर्म जुगाड़ लगा करके कि सर, भैया हम भी स्कूलवे में हैं, स्कूलों के लिए ये ट्रेनिंग कंपलसरी कर रहे हैं, क्या पता कल को हम लोग को भी कह दें, तो चलो कर लेते हैं। अब जी हैं तो सर, वो एलडीसी यूडीसी, उनको पढ़ाना तो है नहीं, और ये कोर्स है टीचरों के लिए, तो जी सर, सर ऐसे जो लोग किए होंगे उनकी भी संख्या मान घटाना ही पड़ेगा। ऐसे तो सर आ जाएंगे 7-8 लाख के क्या। बता रहे अभी जोड़ते जाइए। इसके अलावा अभी आपको बता दें, जो बीएड वाले हैं, बीटीसी वाले हैं, डीएलएड वाले हैं, जी जब ये सर, फॉर्म आया था एनआई डीएलएड का, ऑलरेडी बीएड बीटीसी डीएलएड किए हुए हैं, कोई कोई ऐसे हैं जो बीएड भी किए हैं बीटीसी भी किए हैं, जी सर, उनको लगा कि जो है सरकारी नौकरी का बढ़िया मौका है, गवर्नमेंट करा रही है, सरकारी नौकरी मिल जाएगी, चलो इसको भी कर लेते हैं, उन्होंने इसको भी कर लिया। और 19 के बाद से अब तक जाने कितनी भर्तियां हुई हैं, वो लोग कहीं ना कहीं नौकरी अपना बीएड बीटीसी डीएलएड के दम पर पा गए हैं, सिलेक्ट हो गए वो अब वो तो आएंगे नहीं यहाँ। जी। और अगर कोई बीएड कर रखा है या डीएलएड कर रखा है रेगुलर वाला, जी सर, अब मान लीजिए 40,000 की नौकरी प्राइमरी की आ रही है जी और प्री प्राइमरी मान ले कि 35,000 की, 30,000 की नौकरी आ रही है, सर, और उनको दोनों नौकरी मिल रहा होगा तो कौन सी नौकरी पकड़ेंगे, 40,000 सर वाली, ऊपर की ऊपर वाली, करेंगे सर, जी सर नीचे तो ऊपर की आएंगे करेंगे नहीं। जी सर, तो अगर अभी तो हमें सारे आंकड़े इस तरह से कुछ उदाहरण हम दिए हैं, सारे उदाहरण नहीं दे पा रहे अभी, सब याद नहीं है, ऐसे अगर जी सर, गिनती कराने लगे जी तो एनआई डीएलएड को फिल्टर करते करते जब आएंगे ना, तो जी पूरे भारत में जो वास्तविक आंकड़ा है
5-7 लाख से ज्यादा नहीं होने वाला है जी, बहुत पूरे से बहुत भारत। 7 लाख से ज्यादा जी और यूपी में बताया जाता है 3-4 लाख हैं एनआईडी लेट जी किए, तो मान करके चलिए कि यूपी के अंदर 1.5 लाख 2 लाख आ जाएगा आंकड़ा घट के फिल्टर 2 लाख से ऊपर करने नहीं पर। होगा, संख्या हाँ तो संख्या बहुत कम है। कम है सर बहुत। हाँ और पद बहुत ज्यादा हैं, हर राज्य में आएंगे जितने बाल वाटिका बनेंगे सब में भर्ती होगी, जी सर तो भर्ती तो होगी कन्फर्म है, और जी आप लोगों को बाल वाटिका में लिया जाएगा ये भी कन्फर्म है। और जी सर संभावना जो है ये जो सत्र चल रहा है 2024-2025 जी सर ये शुरू हुआ है 1 अप्रैल से, चलेगा 31 मार्च 2025 तक ना, जी जी सर तो उम्मीद कीजिए कि इसी सत्र के दौरान बाल वाटिका के जो है भर्ती विज्ञापन आने लगेगा, जी सर उम्मीद यानी है जो जी अगला सत्र शुरू होगा अगले साल अप्रैल में, जी जी उम्मीद है कि उससे पहले कोई ना कोई भर्ती आएगी, तो भर्ती आएगी बहुत बड़ी भर्ती होगी, लाखों में होगी। जी सर जी और ये कोर्स जो है पूरी तरह से सही है, एनसीटीई से मान्यता लेकर के ये कोर्स एनआईएस ने करवाया है, जी एनआईएस जो है वो मान्यता जी प्राप्त संस्थान है। आप सर लोग का कोर्स आप लोग का सर्टिफिकेट पूरी तरह से वैलिड है, जी उसके सर लिए शुक्रिया कोई हो हल्ला की जरूरतें नहीं है, कोर्स वैलिड है, एनसीटीई ने क्लियर कर दिया है। बस ये है कि अभी किसी शिक्षक भर्ती में लिया नहीं जा रहा है। जी यही परेशानी सर हाँ तो वो भी बता ही दिए कि बाल वाटिका में लिया जाएगा, आप बस एक दिन एक जगह फोकस कीजिए, बाल वाटिका प्री प्राइमरी आंगनबाड़ी जी जी यहीं लिया सर जाएगा, आप लिख करके रख लीजिए, जिस दिन कोई विज्ञापन आएगा आप खुद ही फोन करेंगे बताने के लिए कि हमने जो कहा था वही हो रहा है, जी सर और बिल्कुल बात यही सही कह रहे होगा, बाल वाटिका जी प्री प्राइमरी में ही लिया जाएगा क्योंकि 18 महीने का कोर्स है, प्राइमरी में आप जा नहीं सकते। जी सर अच्छा सबसे अच्छी बात एक और है जी सर कि टेट वेट देने की जरूरतें नहीं है, अच्छा सर बहुत सारे लोग प्राइमरी वाला टेट भर भर के दिए हैं, टेट सी टेट पास भी कर लिए हैं, तो जो जी पास कर लिए हैं उनका सर्टिफिकेट तो बेकार है, हमारे क्योंकि साथ में जो जी सर कुछ लोग थे उन्होंने दिया था सीटेट पास भी सर हैं वो तो वो जो पास कर लिए हैं जब वो जी योग्य ही नहीं है उस फॉर्म को भरने के लिए, तो उनका सर्टिफिकेट तो इनवैलिड है ना, इलीगल है, जी सर इनने के लोग तो हैं उनका सर्टिफिकेट तो बेकार है। पास कर लिए अच्छी बात है, अनुभव हो गया, परीक्षा दे लिए, पढ़ाई किए होंगे, वो उनका नॉलेज बढ़ा होगा, वो सब अपनी जगह है, अच्छी बात है, प्राइवेट में कहीं जी दिखाना हो दिखा सकते हैं, सर लेकिन गवर्नमेंट में वो इलीगल है, उसको कहीं लगा नहीं सकते। जी अच्छा अच्छी बात क्या है कि अब जब प्री प्राइमरी में भर्ती आएगी, जब भी अभी जी पहली भर्ती होगी, शुरुआत होगा नया नया, जी सर तो अभी यहाँ पर टेट वेट का कोई नियम नहीं रहेगा, जी शुक्रिया सर तभी तो अभी आप लोग जो है टेट से बचे रहेंगे, बचे रहेंगे सर उम्मीद यही है, उम्मीद यही क्योंकि कभी सर है भर्ती आई नहीं है अभी तक, और हाँ सर टेट का अभी कोई तक नियम आएंगे अभी तक बना ही नहीं है बाल वाटिका प्री प्राइमरी के लिए। जी हाँ लेकिन इसमें ये नहीं सोचना है कि अगर जो है हम कह रहे हैं कि बिना टेट के होगा तो हम पढ़ाई लिखाई बिल्कुल ना करें, पढ़ाई अपनी तरफ से तैयारी जारी रखिए, नहीं क्या नहीं पता कुछ वो कल क्या हो, कौन सी भी जो है नया नियम लागू हो जाए, जी सर कोई इंटरव्यू करा दें, कोई परीक्षा करा दें, कुछ भी करा दें, कम से कम पढ़ाई किए हाँ रहेंगे बिल्कुल सर तो आसानी कोई होगी दिक्कत नहीं होगी। जी सर तो पहला तो आपने पूछा कि हो हल्ला जो है उसके बारे में भी हमने बता दिया, हो हल्ला करने वालों का उद्देश्य है नेतागिरी लूटपाट, बस जी सर जी इसके अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है फाइनल। जी जी सर दूसरी बात आपने पूछा कि हम लोग का भविष्य क्या है, हम लोग के लिए कुछ है या नहीं, वो भी स्पष्ट हमने बता दिया कि जी प्राइमरी की सर तरफ मत देखिए और कहीं मत देखिए, सिर्फ देखिए आंगनबाड़ी की तरफ जिसको कन्वर्ट करके बनाया जा रहा है बाल वाटिका, यानी कि प्री प्राइमरी, जी जी प्री प्राइमरी बना रहे हैं, नाम दे रहे हैं बाल वाटिका, सर यहाँ पर भर्ती होगी, इसी में लिए जाएंगे, एनटीटी वाले लिए जाएंगे, एनआईडी लिए जाएंगे, दूरस्थ बीटीसी वाले लिए जाएंगे, तो जी इसी तरफ फोकस कीजिए। तीसरा जी टेट वेट के लिए अभी परेशान मत होइए, अच्छा जी कोई फायदा नहीं है, जो प्राइमरी वाला टेट पास भी कर लेंगे सी टेट पास भी कर लेंगे वो किसी काम का नहीं है। जी सर पढ़ाई हाँ लेकिन पढ़ाई जारी रखिए, जी सर पढ़ाई चालू में जारी है कम मेरी से कम कक्षा 8 तक का, चाहे जी कोई विषय हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, पर्यावरण हो, गणित हो, इतिहास, भूगोल, 1 से 8 तक का जी आना ही चाहिए, एक एक किताब में क्या क्या है सब पता होना चाहिए, हर चीज आना चाहिए। मैथ को आप 8 की बजाय 6 कर लीजिए बाकी विषय, लेकिन 8 तक जी सर मैथ को कम से कम कक्षा 6 तक लेके चलिए, जी हाँ 6 तक तो मैथ आना ही चाहिए हर हाल में, जी सर और कक्षा 1 से कक्षा 8 तक का अन्य सब विषय,
भाषा में जी तीन विषय लेकर चलिए, हिंदी भी, अंग्रेजी भी, संस्कृत भी। अच्छा जी और कोई अगर संस्कृत नहीं लेना चाहता है तो एक भाषा उसकी जगह उर्दू हो सकता है। भाई जी बहुत सारे लोग हैं जो उर्दू पढ़ना पढ़ाना चाहते हैं तो संस्कृत हटाकर उर्दू अपने तक तो ले, यानी तीन भाषा कम से कम, जी सर तीन भाषा तैयार रखिए हमेशा, कक्षा 8 तक के लेवल का जी और गणित कक्षा 6 तक का लेवल का, अन्य सर विषय सब सर कक्षा 8 तक के लेवल का। हाँ सर मैं आपको रोक रहा हूँ सर। ये जो बाल वाटिका शिक्षक भर्ती होगी सर, जैसे मान मान लेते हैं सर 24-25 में सर, तो क्या सर सरकार ने इसका बजट पास कर दिया है क्या? कोई भी चीज जो है आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए आज आपने जो है अपने घर पर झाड़ू पोछा करने के लिए किसी को रखा, आज जी सर उसको वेतन कब देंगे आप? जी सर जब वक्त होगा देंगे, तो टाइम होगा सर इसका। जी एक महीने बाद देंगे ना। जी सर अच्छा, अब सरकारी भर्ती की बात किया जाए, विज्ञापन निकलता, पहले तो घोषणा होती है जी जी कि हाँ ये काम होने जा रहा है। आज घोषणा हुई तो क्या कल ही आ जाता है क्या विज्ञापन? नहीं, नहीं, वक्त समय लगता है, लगता सर। फिर 15 दिन, महीना, 2 महीना, जो भी जितना भी समय लगे, उसके बाद विज्ञापन आएगा, फॉर्म भरे जाएंगे, फॉर्म जी भरने के बाद जो है उसका जो प्रोसेस होगा वो चलेगा, कम से कम 6 महीना कम से कम लग जाता है। अच्छा जी अच्छा, अब मान लीजिए आपकी नौकरी लग गई, जी नौकरी लगने के बाद वेरिफिकेशन होता है, जांच पड़ताल होती है आपके बारे में। डिग्री वगैरह सर जी और तुरंत तो मिलता नहीं है सैलरी, जी सैलरी सर मिलता है 2 महीने 4 महीने बाद, जी कभी कभी 6 6 महीना 8 8 महीना भी लग जाता है। जी सर यानी कि कोई भी भर्ती की घोषणा होने से लेकर के उसमें जो लोग नियुक्ति पाएंगे, ज्वाइनिंग पाएंगे, नौकरी करेंगे, उनको सैलरी देने का एक लंबा गैप होता है। अच्छा जी तो बजट कब बना लेंगे? पहले ही बना लेंगे, क्या जरूरत है पहले बनाने का? अच्छा जी इस साल अगर कोई चीज घोषणा कर रहे हैं तो सैलरी तो देना है, तब तक तो अगला बजट आ जाएगा ना। जी हाँ, तो बजट जो है वो अभी कोई बनाए तो कोई जरूरी नहीं है, और बजट जो है आता भी है साल में, जी तो फिर जरूरत पड़ने पर अगर कोई बड़ा बजट और चाहिए तो अनुपूरक बजट भी आता है कि भैया और पैसे की जरूरत है, और भी बजट बना लेते हैं बाद में, तो बीच में बना लेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो। जी बजट बजट को अभी मत उसमें इन्वॉल्व कीजिए, अभी बस फोकस कीजिए कि पहले भर्ती की घोषणा हो, और सर बजट तो गवर्नमेंट खुद ही बना लेगी, वो तो उनका चिंता है ना। जी सर आप अगर किसी को अपने घर पर रखेंगे झाड़ू पोछा के लिए तो जी सर उसको सैलरी कहाँ से देंगे? वो जो नौकरी करने आ रहा है वो चिंता करेगा कि आप चिंता करेंगे कहाँ से नहीं, देंगे हम करें सैलरी? सर, हम चिंता हम करेंगे सर। तो चिंता वो करता है जो रखता है नौकरी पर, जी जी जो नौकरी करता है वो, उसकी वो चिंता नहीं होती है। जी सर हाँ, सर काम कर रहे हैं अब अगर जो है जी कोई रिक्शा चलाने वाला है और वो जा करके कहे भैया हमको जो है एक ड्राइवर की जरूरत है, अब वो कोई ड्राइवर है जो कि बस वस चलाता हो, जी वो तो उसको ऊपर से नीचे तक देखेगा ना, ये खुद दे बिल्कुल रिक्शा देखेगा चला रहा है, कह रहा है ड्राइवर की जरूरत है, ये अपने खाएगा पिएगा कि ड्राइवर को देगा, वहां सर देखना पड़ेगा। नहीं सर बिल्कुल देखना लेकिन जब बात सरकार की हो तो जी ऊपर नीचे देखना तो छोड़िए, सोचना भी जी उनके बारे में, चिंता करना भी बेकार है। जी सर वहां पर अरबों खरबों का बजट बनता है जी जी सर उनके पास, बजट बनाने के, बजट वित्त लाने का जो है, कोषागार भरने के बहुत से रास्ते हैं। जी सर अब ये देखिए जो है कल परसों में घोषणा हुआ है, अभी एयरटेल ने कहा कि जो है हम जो है रिचार्ज का दाम बढ़ाने जा रहे हैं, जियो ने कहा कल हम से दाम बढ़ाना बढ़ाने जा रहे हैं, कहा ना, जी सर कुछ नहीं करना है, बस इन लोगों पर जो है टैक्स, मान लीजिए अगर कहीं पर लग रहा था 18%, कह देना भैया अब जी 2% टैक्स तुम्हारा बढ़ा रहे हैं, 20%, जाएगा उनको तो बस कहना है। जी अब ये तो कंपनियों का हेडक हो गया ना, भैया 2% हमको ज्यादा देना है, कहाँ से लाएं? तो चलो भैया फिर दाम बढ़ाओ, जी सर जी गवर्नमेंट को क्या हो, तो सीधे उनका देख भैया अगले महीने से हम 2% तुमसे ज्यादा लेंगे, उनके पास पैसा आ जाएगा, उनको कौन जी सा आ बजट जाएगा बनाने में दिक्कत है, जी सर उनको कोई दिक्कत नहीं है। अगर बहुत जी दिक्कत हुआ, पैसे की जरूरत है तो अच्छा, ये दिल्ली से कलकत्ता वाला हाईवे है, चलो इस पर जो है थोड़ी थोड़ी दूरी पर टोल बना दो, लोग जी इस पर गाड़ी चला रहे हैं ना, इतना बढ़िया हम लोग सड़क बनाकर दे रहे हैं, हाईवे बनाकर दे रहे हैं, चलो जी तो जो लोग इस पर चलेंगे उनसे पैसा वसूलो, टोल लो, जी बना दिए दिल्ली से कलकत्ता का हाईवे है भैया, अभी बना करके उद्घाटन किए हैं, चलो इस पर टोल वसूल लो। जी तो गवर्नमेंट
हमसे आपसे लेती है और हमारे जी आप पर ही ऊपर खर्चा करती है, जी सर तो उनको जो है कमाई करने के 1000 रास्ते हैं, जी सर बहुत सारे रास्ते हैं और सर खर्चा करने के लिए तो लाखों काम पड़े हैं। जी सर तो उसकी चिंता हम आप नहीं करेंगे, आप जो है बजट के बारे में पढ़िए, आराम से पढ़िए, इकोनॉमिक्स पढ़िए, एकदम बढ़िया से सीखिए गवर्नमेंट कैसे कमाई करती है। हम आप 5,000-10,000 की नौकरी अगर करेंगे, तो अगर मान लीजिए आप 4,500 की नौकरी कर रहे हैं, पैतालीस से तो पैंतालीस जी आप हमेशा सोचेंगे कि भैया 4,500 की अगर नौकरी कर रहे हैं हम, तो हमको 4,500 के अंदर मेरा खर्चा रहे। अगर 10,000 की नौकरी कर रहे हैं तो मेरा खर्चा 10,000 के अंदर रहे, यही सोचते हैं ना। बिल्कुल सर यही बल्कि कुछ सोचते हैं कोशिश करेंगे इसमें कुछ बचा भी लें, पूरा जी पैसा खर्चा ना हो। लेकिन गवर्नमेंट क्या है, जब बजट आता है, देखिए हमारा जो बजट है, भारत का जो बजट व्यवस्था है, उसका नाम ही है घाटे की वित्त व्यवस्था। अच्छा जी यानी सर कि ये पहले तय करते हैं कहाँ कहाँ खर्चा करना है, क्या क्या काम करना है। अच्छा पिछली बार 100 रुपया खर्चा किए थे, चलो अब की बार बजट बनाओ, क्या क्या खर्चा करना है, चलो अब की बार जो है 5,000 रुपया खर्चा करना है। पिछली बार 100 रुपया खर्चा किए थे और 100 रुपया जुटाए थे, अब की बार 5,000 खर्चा करना है ना, अब 5,000 जुटाने का व्यवस्था बनाओ। यानी ये पहले खर्चे तय करते हैं कितना खर्चा करना है, जी सर उसके बाद तय होता है कि पैसा को लाना कहाँ से है। जी तो 5 रुपया पेट्रोल बढ़ा दो, 20 रुपया 50 रुपया गैस का बढ़ा दो, मोबाइल कंपनियों से तो 1-2% वसूल लो ज़्यादा, टोल जी टैक्स वसूल लो, टोल टैक्स ज़्यादा कर दो, और जो सामान खरीद रहे हैं लोग उस पर GST है 18%, उसको 20% कर दो। यानी कि गवर्नमेंट पहले तय करती है कि हमें काम क्या क्या करना है, कितने ट्रेनें बनानी हैं, कितने रेलवे लाइन बिछाना है, कितने जो जी है शहरों को जो सड़क अंदर वाले सड़क बनाने, कितने हाईवे बनाने हैं, राजमार्ग हाईवे सब पूरा तय करती है बैठ कर जी कि इस 1 साल में हमें क्या क्या करना है। जब वो खर्चे तय कर लेती है, तब उसका प्लान करती है कि भैया अब ये पैसा आएगा कहाँ से। तो जब वो खर्चे तय कर रही है कि ये हाईवे बनाएंगे, तो जो हाईवे बनेगा वो क्या अपने लिए बना रहे हैं, नहीं जनता के यहाँ सर जनता के लिए, तो फिर जी उसका पैसा देगा कौन, जनता ही तो देगी ना। जनता जी सर अब ये जैसे मोबाइल पर बढ़ने जा रहा है, तो सर ये तो जी मोबाइल पर जो बढ़ेगा, ये बताइए जो व्यक्ति सड़क किनारे रह रहा है ना, उसके पास घर है ना मोबाइल है, उसको तो देना नहीं है क्या, जी उसको नहीं देना सर उसको फर्क पड़ रहा है इससे, बढ़ रहा है घट रहा है, उसको कोई मतलब है नहीं इससे, कोई फर्क नहीं सर उसमें जो मोबाइल रखा ही नहीं है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जी सर यानी कि गरीब लोग, उसका तो इससे कोई लेना देना नहीं है, जी ये मोबाइल चला कौन रहा है, वही चला रहा है, वही रिचार्ज कर रहा है जो इतना कमा रहा है। सर जितना कमा चला रहा तो गवर्नमेंट लेकर के इनसे टैक्स, कोई सड़क बनाएगी, गांव गांव में शौचालय देगी, जी गांव गांव में लोगों को आवास के तहत पैसा देकर घर बनाएगी, सर और वसूली किससे, जो पैसे वाले हैं, और दिया किसको, गरीबों को जिनके पास नहीं है। जी सर को दिया गरीबों को दिया है ना सर हाँ, किसानों को 6,000 दे रहे हैं, वो भी तो कहीं से आना जी चाहिए ना। बिल्कुल सर जी तो जो महंगे सामान है, मोबाइल हो गया, मोबाइल हर कोई नहीं खरीद रहा है, अब महंगी महंगी ट्रेन है, वंदे भारत है, और पता नहीं कौन कौन से, जी बहुत ही VIP शताब्दी तो वगैरह सब बहुत उस पर गरीब व्यक्ति थोड़े सफर कर रहा है। नहीं अब बड़े लोग गरीब करते हैं व्यक्ति सर ट्रैवल को, अगर गरीब व्यक्ति को आपके गांव से दिल्ली जाना है, तो वो तो पैसेंजर पकड़ेगा ना, जी सर 150 वाले पकड़ेगा सर वो वो सोचेगा कम से कम खर्चा में समय लग जाए कोई बात नहीं, जी लेकिन मेरा कम से कम खर्चा है। अगर आपके सर घर, आपके शहर का जो है सबसे बड़ा व्यापारी जो होगा, वो तो जी चाहेगा भैया कि हम रात में यहाँ से बैठें जी या दिन में बैठें, 4 घंटा में हम दिल्ली हो जाएं, फिर काम करें, फिर 4 घंटा में एक ही दिन में वापस भी हो लें। जी सर तो वो ऐसा चाहेगा होता है कि हवाई जहाज से हम चलते हैं, 2 घंटा में दिल्ली पहुंचा देगा, फिर उधर से वापसी 2 घंटा में कर लेंगे शाम तक, दिन में अपना काम भी कर लेंगे, क्योंकि अगले दिन फिर उसका नुकसान ना हो, उसका तो 1-1 घंटा 1-1 मिनट कीमती है। जी सर तो हवाई जहाज का सफर कौन करेगा, व्यापारी वंदे भारत पर सफर कौन करेगा, बड़े व्यापारी, उनसे नहीं बड़े वसूलेंगे ज्यादा बड़े ज्यादा। व्यापारी करेंगे सर हाँ, जी जी तो सर उनको सुविधा दे रहे हैं, उनसे जी पैसा वसूल रहे हैं ज्यादा ज्यादा, उनसे वसूल करके हाईवे बना दिए, आवास दे दिए, शौचालय दे दिए, किसानों को पैसा दे दिए। जी तो सर गवर्नमेंट तो इस तरीके से अपना बजट बनाती है कि क्या करना है, कैसे करना है, वो तय करके तब तो बजट बनाती है। और अगर जी हम आप बैठ जाएंगे लिस्ट बना के,
हाँ जी घर बनाना है। हाँ हाँ जी बच्चे का जो है फला कॉलेज में एडमिशन कराएंगे, ये वाले में नहीं कराएंगे, बड़का कॉलेज में करवाएंगे। उसके बाद बना दिए, अरे 4 चक्का गाड़ी होना चाहिए, श्रीमती जी को एक गले में हार चाहिए, लिस्ट तो बना लिए। अब जी सर जो लिस्टवा बना लिए, 5 लाख रुपया का मान लीजिए बन गया, जी जी अब बैठ के आप क्या तय कर सकते हैं कि 5 लाख कहाँ से आएगा? आप नहीं कर सकते, क्योंकि तो आपको सर पता है कि भैया हम तो नौकरी करने वाले हैं। बिल्कुल हम सर अगर जहाँ नौकरी कर रहे हैं, अगर 10 हजार दे रहा है, उससे कहेंगे भैया हमको 11 हजार कर दो, तो पहले क्या भाग जाओ यहाँ से, सुनबे नहीं जी करेगा। सर बिल्कुल सर हम तो यहाँ मजबूर हैं, हम 10 का 11 हम नहीं करा पा रहे अपना कमाई। जी लेकिन गवर्नमेंट गवर्नमेंट हर साल अपनी कमाई बढ़ाती है, जी तो वो पहले खर्चा तय करती है कि भैया पिछले साल जो का बजट 100 रुपये का था, इस साल का बजट जो है हम उसका 20% ज़्यादा करेंगे, 120 रुपया खर्चा करेंगे। अब 120 रुपया कैसे कमाना है उसका दिमाग लगाओ, 100 रुपया तो आ ही रहा है, 20 रुपया और कहाँ से लाना है उसका जुगाड़ सोचो। तो बड़े बड़े जी अधिकारी बैठे हैं, वो बजट बना देते हैं। तो जी सर बजट के लिए मत सोचिए, गवर्नमेंट को करना है, वो अपना बजट बना लेगी। आप अपने आसपास प्राइमरी विद्यालय देखिए, एक टाइम था आज से 5 साल 7 साल पहले, जी वहाँ पर क्या कंडीशन था स्कूल का, और आज अरे सर देखिए। खंडर थे, सर खंडर थे, देखने में सर खंडर लगते थे। अब इधर 4-5 सालों में काफी हद तक उनकी इस बदली सर। बस फर्क यही है, उस गवर्नमेंट ने सुधार करने का नहीं सोचा। जब सुधार करने का नहीं सोचा तो उनको खर्चा नहीं समझ में आया, जब खर्चा जी नहीं सर समझ में आया तो कमाई करने पर नहीं सोचे, कमाई का नहीं सोचे तो कुछ किए नहीं। जी इस गवर्नमेंट ने सुधार का सोचा, सुधार का सोचा तो बजट बनाया कि भैया ये काम करना है, इसके लिए कितना खर्चा होगा, बजट बनाओ। और जब खर्चा इतना करना है तो खर्चा आना भी चाहिए, तो जी कहाँ से आएगा इतना पैसा? तो उसके लिए फिर जुगाड़ लगाए, दिमाग लगाए, वहां से पैसा लेकर आए, और पैसा आया उधर काम जो प्लान किए हो गया। जी तो स्कूलों में फर्नीचर हो गया, बाउंड्री बन गया, कमरे बन गए, टाइल्स लग गए, बिजली पंखा सब व्यवस्था हो गया। जी सर तो जब भी गवर्नमेंट के बारे में सोचना हो, चाहे वो भारत सरकार हो, चाहे भारत के बाहर किसी देश की सरकार, जी सर चाहे यूपी सरकार हो, चाहे बिहार सरकार हो, चाहे उत्तराखंड, चाहे किसी राज्य की, ये जो सरकारें होती हैं, ये पहले खर्चे तय करते हैं, उसके बाद कमाई का जरिया खोजते हैं। जी और सर हम आप पहले कमाई करते हैं, उसके बाद खर्चे तय करते हैं कि भैया बड़ा खर्चा हो रहा है, अब जो है इस महीना जो है हम लोग दूध 3 लीटर ले रहे थे, बच्चों को दूध चलो थोड़ा कम ही पिलाओ, 2 ये लीटर लो। जी सर बच्चा हमारा 500 रुपया वाले में पढ़ रहा था, पैसा नहीं व्यवस्था हो पा रहा, भैया इस स्कूल से नाम कटाओ, फलनवा स्कूल में नाम लिखा दो, 200 रुपया फीस उसमें लगता है। जी जी तो हम लोग कमाई के अनुसार खर्चे तय करते हैं, सरकार जितनी है वो खर्चों के अनुसार कमाई तय करते हैं, दोनों में एकदम उल्टा है। अच्छा सर उल्टा है मतलब एकदम उल्टा है। तो मास्टर साहब आप पढ़ाते हैं, अभी छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जी अगर सर आप चाहते हैं बड़े बच्चों को पढ़ाना, आपके आसपास जो लोग रहते हैं उन वो जब आपसे कोई बात करें तो कहें हाँ मास्टर साहब को सब पता रहता है, उनके पास बहुत ज्ञान है, तो आज से तय करिए, रोज अखबार पढ़िए, जितने नियम कानून है किसी भी चीज से संबंधित वो सब जानिए, नया क्या हो रहा है वो सब जानिए, सरकार कैसे चलती है, कहाँ से कमाती है, कैसे किसी चीज का दाम बढ़ता है, कैसे घटता है, क्या होता है, दुनिया भर की चीजें जिसका कोई लेना देना नहीं है आपसे, हाँ वो भी बिल्कुल सर सब जानकारी जी रखिए। उसके बाद जब आप कहीं बैठ कर किसी से बात करेंगे ना, सर चार बातें एकदम अब सॉलिड सॉलिड रखेंगे एकदम, तो कहेंगे जी सर अरे ये तो बहुत जानकार है मास्टर साहब। जी सर पहले टाइम था कि मास्टर साहब लोगों का बहुत इज्जत होता था, लेकिन आजकल उतनी इज्जत नहीं होती है, जी उसके पीछे कारण है, जी सर पहले के मास्टर साहब लोग मेहनत बहुत करते थे, हर चीज जानकारी रखते थे, लोग उतने पढ़े लिखे नहीं थे, कुछ भी काम होता था जाते तो मास्टर साहब को पता होगा, जाते तो पूछते तो मास्टर साहब बता देते थे। जी सर हल निकल आता था उसका अब जो है दो गड़बड़ी हो गई, जी गड़बड़ी करें या कह लें, एक चीज अच्छा हुआ एक चीज बुरा हो गया। अच्छा क्या जी हुआ, जो लोग कम पढ़े लिखे थे अब वो भी पढ़ने लिखने लगे हैं, जानकारी रखने लगे हैं, थोड़े शिक्षित हो गए, तो उनका लेवल जी सर ऊपर आ गया। ऊपर आ जाता और जो अच्छा मास्टर जी लोग थे उस समय के हिसाब से जितनी जानकारी रखते थे, तो अब आज के मास्टर जी लोगों को तो आज के हिसाब से जानकारी रखना चाहिए, जी लेकिन आजकल के मास्टर जी लोग जो है खाली कमाई के चक्कर में रह जाते हैं कि बस सरकारी वेतन उठा लें, जी कैसे ट्यूशन कोचिंग कोचिंग पढ़ा करके कहाँ से पैसा वसूलें, उस पर दिमाग ज्यादा लगाते हैं, और जी हमारे पास कितना ज्ञान है और हमें कितना ज्ञान अर्जित करने की जरूरत है इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं।
तो अब आप बताइए, एक गांव में एक मास्टर जी हैं और बाकी सब अनपढ़ हैं, जी तो सर, वहां पर मास्टर जी की तो बहुत इज्जत होगी। और बहुत ही जरूरी सर। दूसर का गांव है, उस गांव में सबके सब जो है BA MA BSc किए हुए हैं, और जी एक मास्टर जी आ जाए वहाँ इंटर पास करके, नौकरी पाके इंटर ए पर, जी बिल्कुल तो किस तो वो वाले मास्टर जी का इज्जत होगा? पूरा गाँव तो उनसे नहीं, ज्यादा वो पढ़ा लिखा है, तो सर बीच में दबे रहेंगे। तो उनको खुद शर्म आएगा किसी से बताते हुए। कोई पूछ देगा, अच्छा आप शिक्षा मित्र हैं, कितना पढ़े हैं? इंटर पास हैं। अरे इंटर ए पास हो तो से ढेर, तो हम पढ़ले जो ना दो विषय से MA कैले है, PhD ओ कैले है। अब वो जी उनका इज्जत करेगा मास्टर साहब का? बिल्कुल बिल्कुल नहीं सर, वो पहले से कमजोर जो ह्यूमन नेचर है है। उसकी हम बात कर रहे हैं। जी हो सकता है किसी का नेचर हो कि भाई वो पढ़ाई लिखाई पर न ध्यान दे, वो अपना इज्जत करे, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन अधिकतर लोग यही देखते हैं, अरे उसके पास तो कुछ नहीं, मेरे पास तो 4 ठो गाड़ी खड़ा है, मेरे पास बंगला है, अरे वो तो गरीब है, अरे वो तो इतने पढ़ ले, हम तो इतना पढ़ ले। लोग इससे आंकते हैं इन चीजों से, उसी हिसाब से फिर इज्जत भी देते हैं। जी तो वो आजकल के मास्टर साहब को, उन लोगों को इज्जत कम मिलने का कारण क्या है कि एक तो लोगों ने अपने शिक्षा का स्तर ऊपर लाया, तो वो थोड़े जी शिक्षित जी हो गए हैं, उनको भी बहुत चीज की जानकारी हो गई। और दूसरा जो मास्टर साहब लोग थे, इनको भी अपना लेवल ऊपर उठाना था, लेकिन मास्टर साहब लोग जो है अब मेहनत नहीं करना चाहते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ाना नहीं चाहते हैं, इसलिए जो है पहले जी जैसी इज्जत नहीं रह गई। अपना बचपन याद कीजिए कि गुरु जी ऐसा आ रहे हैं तो बैठा करके बढ़िया से सेवा होता था, चाय नाश्ता कराया जाता था, जी। और आज देख लीजिए आप खुद मास्टर जी हैं, जी सर कितने लोग इज्जत कर रहे हैं, गिने चुने लोग रह गए। नहीं तो आप जो है गलती से अगर कभी किसी को बच्चे को मार दीजिए तो आके सर पर चढ़ जाएगा, हमारे बच्चे को मारे कैसे, होता जी बिल्कुल सर, है होता ना ऐसा? सर होता है। अगर कोई बच्चा गलती किया है, काम नहीं किया है, या किसी से लड़ाई झगड़ा किया, अगर आप गलती से उसको एक हाथ लगा दीजिए जी किसी के घर का, उसके घर वाले के चढ़ जाएंगे। और पहले के मास्टर साहब लोग का बड़ा इज्जत होता था, मास्टर साहब ने मारा है तो जरूर यही कोई गलती किया होगा, जी हाँ, बच्चे ने गलती की सर, बिल्कुल भले बच्चा गलती न किया हो, गलतफहमी में मार दिए हो, लेकिन पूछने नहीं जा सकते कि मेरे बेटे ने किया है कुछ कि नहीं किया है, क्या किया है। अरे जी सर मार खा के आए, यह कैले हुई, आओ दो पड़ाका मार देते, यह गलत है, ये कुछ कह के आए जी लोई। अब जी गलत किया हो न किया हो, बिना कंफर्म किए दो थप्पड़ और दे देते थे अपने तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो समय बदल गया है, उसके पीछे हर सही कोई बात है सर। जिम्मेदार है। सर एक बात चाहता पूछना, सर ये बालवाड़ी का जब ये नियुक्ति होगी तो सर ये नौकरी सर ये राज्य की होगी या केंद्र की? सर राज्य की होगी, राज्य की होगी जितने ना सर। आंगनबाड़ी हैं वो हर राज्य के अंदर चल रहे हैं ना। जी जैसे जैसे प्राइमरी विद्यालय है, जी सर जी 1,87,000 नहीं 1,58,000 प्राइमरी, 1,87,000 तो जी बालवाटी आंगनबाड़ी है, जी जी तो 1,58,000 प्राइमरी विद्यालय हैं। सर, सब इसमें जितने भी मास्टर साहब लोग पढ़ा रहे हैं, चाहे राज्य मास्टर के साहब हो? हों चाहे शिक्षा मित्र हों, ये राज्य कर्मी हैं। जी सर राज्य कर्मी हाँ, है। जी लेकिन इनका 75% वेतन जो है केंद्र से आता है। अच्छा सर अच्छा, और यहीं यूपी के अंदर ही केंद्रीय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय है, जी ये जो है केंद्र के अधीन है, जी सर इनको केंद्र ही संचालित कर रही है, इनको केंद्र ही बजट दे रही है, इनको केंद्र ही सैलरी दे रही है, अच्छा सर, ये केंद्रीय इनका कर्मी राज्य से दे कोई लेना देना नहीं। रहे हैं। आप अखबार देख लीजिए, आप जी टीवी जी देख लीजिए, जी आए सर दिन मीडिया वाले दिखाएंगे कि मास्टर साहब को ये लिखने नहीं आ रहा है, उनसे जाकर पूछ रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, डाल रहे हैं। जी, अक्सर ये शिकायतें जितने मिलती हैं। वीडियो डाले जाते हैं सब राज्य के विद्यालयों के डाले जाते हैं। अच्छा जी आई जो जितने बड़का पत्रकार हों चाहे छोटका पत्रकार, किसी का औकात है केंद्रीय विद्यालय का दरवाजा को लांग जाए, गेट को, अच्छा सर उनकी औकात नहीं है कि उसमें पैर रख दें। जी आप कभी देखे हैं अखबार में या टीवी पर कभी केंद्रीय विद्यालय जी नवोदय सर विद्यालय का इस तरह का कोई टीचर का कोई वीडियो बनाकर डाल रहा हो? नहीं सर, नहीं केंद्रीय उस पर लोग, कर्मी उसके बारे में लोग बात तक मतलब बिना कंफर्म न्यूज लिए कोई वीडियो बनाते नहीं, कोई न्यूज देते ही नहीं है, क्योंकि जी पता है उनको भैया ये केंद्र सरकार के अधीन है, यहाँ जितने भी टीचर हैं प्रिंसिपल हैं ये जी सब जो है केंद्र सरकार की भर्ती परीक्षा पास करके वेल एजुकेटेड हैं, पढ़कर जी क्या सर आए हैं यहाँ पर, कोनो लल्लू पंजू नहीं है मास्टर। जी सर और वहाँ का चपरासी भी होगा, पढ़ा लिखा होगा, चपरासी गेट से अंदर, मतलब प्रिंसिपल तो बाद में की बात है, टीचर तो बाद में की बात है, चपरासी नहीं घुसने देगा पहले अंदर, कौन जी हो, सर क्या काम है, किससे मिलना है, चलो पहले ये जी सर रजिस्टर में भरो, पहले जी रजिस्टर भरवाएगा, जी कितने बजे आए हैं,
किस काम से आए हैं, क्या नाम है, कहाँ से आ रहे हैं, पूरा डिटेल भरवा लेगा, तब कहेगा अंदर ठीक है किससे मिलना है, प्रिंसिपल साहब से, वो भी आपको बताएगा कहाँ है चैम्बर, ताकि आप इधर उधर कहीं ना जाइए, किसी को डिस्टर्ब ना कीजिए। आपने कहा प्रिंसिपल से मिलना है, तो प्रिंसिपल के पास हो सकता है ले करके खुद जाए, जी जी अच्छा या अच्छा वहाँ से पूछ करके आए कि उनको भेजें कि न भेजें। अगर वो कहेंगे हाँ भेज दो तब भेजेगा, नहीं तो आपको दरवाजे से बाहर भेज देगा उल्टे। अब जी क्लास में घुस जाना, वीडियो बनाना तो बहुत दूर की बात है, अच्छा जी सर जी गलती से नहीं घुस सकते केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय की कक्षा में, पुलिस बुला देंगे तुरंत, इसको अरेस्ट अच्छा कीजिए जी बिना जो है परमिशन के ये घुसाया। लेकिन जी यही जो है कैमरा लेकर के मोबाइल लेकर के लोग घूम जाते हैं क्लास में, हाँ देखिए मास्टर साहब जो है बैठे हुए हैं ये कर रहे हैं वो, ठीक है गलत है, वो नहीं पढ़ा रहे हैं तो गलत तो है, लेकिन हिम्मत देखिए इनका, घुस जा रहे हैं जी सर दिखा रहे हैं, जी बदनाम कर रहे हैं, ठीक है वहाँ जो गलती है अधिकारी देखेगा, जो कमी है बेसी है वो अधिकारी देखेगा, लेकिन अब आप जो है मीडिया में वीडियो चला देंगे, अखबार में छापेंगे, तो आप उस संस्था की छवि खराब कर रहे हैं ना। जी तो उनका मकसद सर यही छवि लेकिन खराब केंद्रीय करना। विद्यालय नवोदय विद्यालय पर एक वीडियो बनाकर डाल दें, तुरंत FIR होगा, जेल पहुंच जाएंगे लोग, अच्छा जी जी बिना परमिशन के वीडियो बनाए कैसे, पहले परमिशन लो, ठीक है हमारा जी टीचर गलत कर रहा है, जी जी वो चीज आप आकर हमें बताओ ना, हम बैठे हैं ना उसको देखने के लिए, जी सर वहां मिलेगा ही नहीं कोई गलत करते हुए, जी 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 चलिए वहां मिलेगा ही नहीं कोई। सर खैर तो सर इसे जो चल रहा था सर 24 पति में सर उम्मीद रखे हैं बिल्कुल, ये जो सत्र चल रहा है जी इसी में उम्मीद रखिए विज्ञापन आएगा। आप अपने तरफ से बस एक काम कीजिए, गणित को कक्षा 1 से 6 तक का किताब लेकर के एकदम घोल के पी जाइए, घोल के पी जाइए ना कि मतलब समझ जी रहे हैं ना, जी अब मैं समझ रहा हूँ सर आपकी बात को हाँ एकदम पढ़ जाइए खूब, बार बार पढ़ जाइए, कई कई बार पढ़ जाइए, एकदम कितबिया याद हो जाएगी कि कक्षा 1 में कौन कौन चीज पढ़ाया जाता है, क्या क्या है, कौन कौन से चैप्टर, कक्षा 2 में क्या क्या, इतना पढ़िए कि एकदम याद हो जाए 1 से 6 तक का गणित, ये दस और उसके बाद अन्य विषय 3 भाषा और अन्य विषय कक्षा 8 तक, 1 से 8 तक का, और भाषा 3 तैयार कीजिएगा, जी सर तीन और भाषा इसके तैयार बाद बच गया कुछ तो वो है कंप्यूटर, जी CCC का कोर्स नहीं किए हैं तो CCC का कोर्स कर लीजिए, जाके कंप्यूटर सेंटर पर रोज 1 घंटा पढ़िए, अच्छा CCC सर हाँ 3 महीने का कोर्स है, पहले CCC का पढ़ाई करके इसका परीक्षा दे करके CCC का सर्टिफिकेट ले लीजिए, उसके बाद भी कंप्यूटर पढ़ना बंद मत करिएगा, इसके अच्छा बाद सर जी CCC से ऊपर 6 महीने का 1 साल का कोर्स जो होगा उसको कर लीजिएगा, कंप्यूटर नॉलेज बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी और भाषा में बार बार हम बोल रहे हैं 3 भाषा, ठीक है सर कोशिश, आपकी बात में गौर करता हूँ तीन हाँ भाषा आने जो वाला है समय अंग्रेजी का नहीं है, जी आने वाला समय संस्कृत का होगा देख लीजिएगा, अच्छा आने वाला जो समय है सर हाँ अब जो है समय करवट ले रहा है, संस्कृत को बहुत दबा दिया गया, विदेशी भाषा अंग्रेजी को खूब बढ़ा चढ़ा के बता दिया गया, जी जी बहुत हो गया सर जबकि तुलना किया जाएगा तो जो हिंदी है संस्कृत जी है ये भाषा, ये जो विदेशी भाषाएं हैं अंग्रेजी वगैरह, इनसे जी कहीं अधिक जो है अच्छी भाषाएं हैं, जी आप सर उठा जी करके शब्दावली देख लीजिए तो हिंदी और संस्कृत में जितने शब्द हैं जी विदेशी सर भाषाओं में उतने शब्द ही नहीं बने हैं, नहीं सर सब शब्द है ही नहीं इसमें उदाहरण में देख लीजिए ना, जी यहाँ जी पर आप जो है एक बच्चा कहता है मामा, जी जी चाचा, जी 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 ताऊ, और वहाँ क्या है जी अंकल, बस एक ही शब्द है सर यहाँ हर रिश्ते के लिए अलग अलग शब्द है, वहाँ यहाँ कहेंगे चाची, मामी, ताई, बड़की अम्मा, अलग अलग शब्द बने हुए हैं, जी अलग अलग वहाँ शब्द, आंटी और वहाँ अंकल दो आंटी, शब्द हैं बस आंटी और दो अंकल शब्द में ही सब खत्म, जी सर तो बहुत फर्क है, अभी तो एक बहुत छोटा सा उदाहरण है, जी यहाँ पर हमारे यहाँ हर ध्वनि के लिए अलग अलग जो है अक्षर बनाए गए है जी जी सर ना, और जी सर वहां पर कहीं इस पर सी को जो है च हो जा रहा है, कहीं स हो जा रहा है, अपने मन जी ने कहीं, अब उसका बच्चा परेशान है कब च बोले कब स बोले, जी जी तो वो सब भाषाएं जो है काम चलाऊ भाषाएं हैं, उनको जो है बहुत ऊपर चढ़ा दिया गया, हिंदी संस्कृत दबा दिया गया, लेकिन अब आने वाला समय इसका है तो संस्कृत पर और हिंदी पर फोकस ज्यादा कीजिए, इंग्लिश भी जरूरी है, इंटरनेशनल भाषा है, जी जी
अभी समय लगेगा, हम लोग के समय में तो अंग्रेजी का भी है महत्व, लेकिन आने जी वाले जी 25-50-100 सालों में बदलाव होगा। हाँ जी, बदलाव तो फिर होगा। अरे संस्कृत से ही तो सारी भाषाओं का जन्म हुआ है, जी जी सर, अब उसी से निकल करके सारी भाषाएं, और कहें हम श्रेष्ठ हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? जी सर, ठीक है जैसे सर, चलिए, हाँ काफी देर बात हो गई है। जी समय काफी है तो ठीक है सर, धन्यवाद सर। सर मैं बहुत ही खुशी मिली आपसे बात करने का, काफी सर अब तक मैं प्रयास कर रहा था। अच्छा, चलिए वेलकम भाई आप लोग का। हमेशा हम भी फोन सोचते हैं कि जो है जब टाइम मिले तो बातचीत हो, तो जो भी हमारे पास जानकारी है वो आप लोगों तक तो पहुंचाया जाए, शेयर किया जाए, ताकि जी जो भी लोग कहीं गुमराह हैं, परेशान हो रहे हैं, चिंतित हैं, तो वो जो है अपनी चीजों को जान करके, समझ करके, निर्णय लेकर के अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। सर चिंतित सर हम भी इतने की जब दिल्ली में देख रहे थे मोबाइल पर यूट्यूब पे सर, धरना लोग दे रहे हैं, और जो केंद्रीय मंत्री हैं सर जो फिर बनाए गए हैं, और वो भी हमें सुन रहे हैं सर, कुछ कोई बात नहीं सुन रहे हैं, अब परेशान तो हम भी होते। एक इस चीज को ऐसे समझिए कि जी आपके घर में मान लीजिए कि आपके दो बच्चे हैं, जी सर, जी ठीक है, आपकी श्रीमती जी हैं, सर, आपकी बहन वहन मान लेते हैं, घर में जो भी लोग हैं, सब लोग एक दिन जो है जिद कर दें कि भैया हम लोगों को तो घर में एक चार चक्का गाड़ी चाहिए, जी हम लोग आज से जो है धरना पर बैठ रहे हैं। क्या वो धरना पर जी बैठेंगे और आप जो वेतन अभी पा रहे हैं, जितनी कमाई कर रहे हैं, क्या उनके धरना पर बैठने से कल आप चार चक्का गाड़ी ला के खड़ा कर देंगे क्या? सर, हम साइकिल साइकिल तो ला नहीं पाएंगे, तो गाड़ी बहुत दूर की बात है। चलिए भगवान करे कि आप जो है चार चक्का भी लाइए, सब कुछ कीजिए, लेकिन हम ये उदाहरण बस लिए हैं कि गवर्नमेंट जो प्लान की है, जो बजट तय की है, कहाँ कब क्या करना है, वो वही करेगी, चाहे कोई कितना भी धरना प्रदर्शन कर ले, वो अच्छा सर, अपना बदलाव नहीं करेगी। हाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, थोड़ा सा शांत करने के लिए आकर के मीडिया में कुछ बोल बोल देंगे, सांत्वना दे देंगे, जी, यही देख लीजिए शिक्षा मित्र, कितना धरना प्रदर्शन किए, क्या मिला, बहुत सर, कुछ नहीं सर, कितने साल किए ना, बहुत सर, कई साल इनको साल इनको चला। 24-25 साल हो गए, जी इतने सर, साल में हासिल क्या हुआ धरना प्रदर्शन से? शांत होकर बैठ गए, अब करते हैं धरना वरना। नहीं सर, शांत हो गए सर। हाँ गवर्नमेंट जानती है कैसे जो है इनको शांत करना है, सबका रास्ता जानती है, सब अपना वो जानती है, हमें कब क्या करना है, इनके धरना करने से हम थोड़े कर देंगे, तो जी अपना जी काम कर रही है अपने तरीके से, धरना करने सर, वाले करते रहें, तो धरना वरना करने दीजिए, ठीक है, स्वतंत्रता है अपनी मांग रखने का, मांग हाँ रखें, सर, जी, हाँ, लेकिन सब कुछ तय है क्या होना है, कैसे होना है, तो समय बर्बाद ना कीजिए ये सब धरना वरना के चक्कर में, अपनी पढ़ाई लिखाई कीजिए, कक्षा 1 से 8 तक की सारी किताबें खूब पढ़िए, मैथ खूब लगाइए 1 से 6 तक वाला लेकर के, अपनी तैयारी रखिए, जिस दिन भर्ती आएगी धरना करने वाले धरना करते रह जाएंगे, जो तैयारी किया रहा होगा, तो जो भी भर्ती आएगी, अब इतनी तो सीट आने जाएगी, एक के बेरी में सबको भर दें भाई, जी सर, देखे हैं कि जो है लाखों लोग, अभी जैसे पुलिस भर्ती आई, 60 हजार जी पद थे, भरने वाले 48 लाख, जी 48 लाख सर, जी तो ऐसे ही भर्ती जब प्री प्राइमरी की आएगी, तो जो पढ़ लिख रहा होगा उसको तो जी दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल, लेकिन जो पढ़ लिख नहीं रहा है, धरना के चक्कर में इधर उधर भटक रहा है, खाली, तो वो तो पढ़ लिख नहीं रहा है, तो जो पढ़ा बिल्कुल लिखा रहेगा उसको तो दिक्कत नहीं आने वाली है, वो जो भी जी सर, कहा जाएगा वो कर लेगा, कोई परीक्षा भी बिल्कुल देना होगा तो पढ़ाई किया रहेगा तो पास कर लेगा, जी सर, लेकिन जो धरना वरना के चक्कर में पड़ा रहेगा कुछ नहीं कर पाएगा, वो जी भर्ती सर, नहीं कर आएगी, पाएगा उसका सिलेक्शन होगा नहीं, बैठा रह जाएगा, जी सर, तो बस पॉजिटिव रहिए, जैसे अब तक का सब कुछ समय बढ़िया बीत गया, आगे का समय और अच्छा ही होगा, और पढ़ाई लिखाई करते रहेंगे तो पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाता है, वही शिक्षा बच्चों को देना भी है, वही अपने लिए भी काम आएगा। जी सर, ठीक ठीक है, तब रखें। है सर, नमस्कार, शुक्रिया सर, धन्यवाद आपका बहुत सर, वेलकम वेलकम, नमस्कार। जी सर, शुक्रिया, नमस्कार सर।